मैडम, कहा जाता है कि एक कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, तो आप समझती हैं कि आपकी जो जिंदगी चौधरी साहब के साथ गुजरी, कोई ऐसी चीज जो उन्होंने आपसे सीखी हो और उस पर बड़ा गर्व उनको महसूस होता हो कि मैंने ही अपनी बेगम से सीखी है, ये चीज मेरी बेगम ने मुझे सिखाई है? नहीं, मुझे तो उन्होंने कुछ नहीं सिखाया। सिखाया होता तो आज शायद मैं इतनी मात ना खाती। जो थोड़ी बहुत मतलब एक्सपीरियंस होता है मेरा नहीं था, बल्कि मुझे उस बंदे ने पर्दे के पीछे रखा है, क्योंकि पठानों की रवायत है अपनी वाइफों को मैदान में नहीं लाते। ये तो शहादत का वक्त आ गया, मेरे रब ने मुझसे कोई किरदार प्ले कराना है, मेरी औलाद के लिए रखना है और कुछ औरतों के लिए शायद मिसाल बनना था इस दौर के अंदर, तो मेरे खुदा का करना, मैं ये समझती हूँ। चौधरी साहब ने मुझे कुछ नहीं सिखाया, ये मेरे खुदा ही का सिखाया हुआ है। अच्छा मैडम, ये बताएं कि आपके जो बच्चे हैं आप उनको मुस्तकबिल में कहाँ देखती हैं? आप क्या चाहती हैं कि मुस्तकबिल में वो कुछ और काम करें या अपने वालिद के नक्शे कदम पे चलें? एक औलाद का बाप जब जाता है इतना बड़ा किरदार करता है, मैं उस बच्चों को वही चीज दूंगी कि जो उनके बाप की है। और मेरी ख्वाहिश पुलिस के अंदर है, मैंने सदियों जितने टाइम गुजरा मैंने कहा मेरे दो बेटे जरूर आएंगे। अभी हम एप्लीकेशन पुट अप करेंगे, जैसे अनाउंसमेंट या हमें अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा हम मीडिया पे जरूर आकर बताएंगे जनाब आज सिलेक्शन हो गई। 2022 स्पॉट पर तोहफे भी देख लिया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर वन। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशन की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड, सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।